लॉकडाउन में कराने की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही। बता दें कि अभिभावकों का कहना है कि आखिर गृह जनपद में ही परीक्षा देने की सुविधा की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। बीएड की जनवरी से प्रस्तावित परीक्षाएं आखिरकार अब लॉकडाउन में यानी आज आहूत की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड की परीक्षाओं को आहूत किया गया और उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में 1089 सेंटर बनाए गए। सिर्फ अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में 82 सेंटर बने हुए हैं और 35,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि लॉकडाउन में परीक्षार्थियों के आने की, तो यकीनन तौर पर जो परीक्षार्थी अलग अलग जिलों से आ रहे हैं उनके साथ आने वाले लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और जो परीक्षार्थी आए हुए हैं उनके साथ जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को लेकर हम उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा है उनको, क्योंकि लॉकडाउन है तो ऐसे में वाहनों की संख्या है वो कम है, लोगों के आने जाने की जो व्यवस्था है वो कम है, तो उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जसवीर यादव बोल रहा हूँ। जसवीर जी कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के निगासन तहसील से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए जब वहाँ से आप लखीमपुर से चले थे तो जाहिर सी बात है सुबह निकले होंगे, तो कैसे आना हुआ है और कुछ असुविधा आने में हुई या नहीं? समस्या हुई आने में, वहाँ पर जो है यातायात के साधन नहीं थे इसलिए अपनी गाड़ी से आए हुए हैं। वहाँ से बाइक चला के 4 घंटे करीब चला के आए और जो है चलाने में भी परेशानी हुई और सुबह सुबह इतना निकलो और कई सारी परेशानी होती हैं, जैसे कि चेकिंग वगैरह इसका भी डर है, गाड़ी कहीं सही से चलाओ कैसे ले जाना है कहाँ पे है सेंटर भी पता नहीं था। इसको जो है मैप के माध्यम से जो है इसको ढूंढते हुए आए हैं और इसी प्रकार से अब अगला देखो 5 बजे तक जाना भी है। देख रहे हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो होम डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनके लिए तो थोड़ी सहूलियत है, लेकिन जो लोग बाहर जिलों से परीक्षा देने आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जरूर हो रही है। क्या लगता है कि लॉकडाउन में जब आप आए परीक्षा दिलाने के लिए तो किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना करना पड़ा क्या आपको? सर जी, असुविधा यह है कि हम लोग सर जी ट्रेन भी पता किया, ट्रेन तो कोई चल ही नहीं रही है, बस भी हमारी अब जाके सुबह बोला गया था कि बस को हम सुविधा देंगे और ऑटो को भी सुविधा देंगे, लेकिन यहाँ लखनऊ में ऐसे हमें कुछ नहीं लगता है कि थोड़ा खोड़ा ऑटो भी जो है अगर तो नहीं सुविधा हमें कम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जैसे कि देखा जाए कि हमें जिला होम डिस्ट्रिक्ट में दो ये सरकार की थोड़ा गलतियाँ हैं, क्योंकि इसलिए कि ना कोई न्यूज़ चैनल पर दिया गया ना कोई पेपर में दिया गया, 2 या 3 दिन का मौका देने के बाद अगर तो कुछ लोग जो अपना नेट से जुड़े थे वो जाके अपना होम डिस्ट्रिक्ट ले लिया, बाकी अदर जो लोग थे नहीं पता चला वो लोग कहकर तो उनका लखनऊ का ही लखनऊ रह गया। ये सरकार को सोचना चाहिए था कि अगर हम अमेठी से फॉर्म डाले हैं तो लखनऊ ही हमें सेंटर क्यों दिया जा रहा है, उनको पिछला हमारा रिकॉर्ड देख के हमको अमेठी ही सेंटर दिए थे, जैसे अदर लोग को कराए अपने बारे में उस तरह हम लोग को भी दे देते और हम लोग ये जो असुविधा हुई है ये ना होती। हम लोग यहाँ 3 बजे से साला घर से उठे सर जी, उसके बाद यहाँ से अब निकले, खाना भी नहीं पानी भी नहीं, उसके बाद यहाँ तो सब लॉकडाउन पड़ा ही है सर जी, आप जान ही रहे हैं, तो ये हमारी सभी असुविधा हुई है हमें। कोई अपनी बेटी को लेकर आया है, कोई अपने भाई को लेकर आया है, तो अलग अलग वो लोग हैं जो परीक्षार्थियों के साथ में आए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार लोग एक बात कह रहे हैं कि जब जनवरी से जो परीक्षाएं प्रस्तावित थी तो उन्हें और भी आगे बढ़ाया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ बात सामने ये भी आ रही है कि जो परीक्षार्थी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहकर एग्जाम देने के इच्छुक थे उन्हें भी किसी प्रकार की कोई जानकारी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। अब ऐसे में आज लॉकडाउन है, लोग घरों से निकल रहे हैं, लाखों परीक्षार्थी सड़कों पर हैं, उनके साथ उनके अभिभावक सड़कों पर हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ मैं इनके तिवारी, के न्यूज़ लखनऊ। कोरोना काल के बीच